கடலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. சகி குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. சகியே குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. ஓம் கணேஸ்வராய நமஹ. ஓம் விக்னேஸ்வராய நமஹ. ஓம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரும்பிகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. அழகான மயிலாடவும் ஓகே காற்றில் செங்காடும் கொடி கோலமும் மிக அழகான காற்றில் அது மகிழ்ந்துலவும் இளவொளி தனியே தன்னை மறந்து புள்ளினம் கூட அசைந்தாடி மிக இசைந்தோடி வருணம் காண ஒரு மனாட தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடதி மிது என நடமாட தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடதி மிது என நடமாட கன்று பசுவினமும் நின்று புடை சூழ என்று மனமுருக இறைவன் கனிவோடு குழலோதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. சினு சப் குச் ரக் தியா நா. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं चलती हूँ माँ. ध्यान रखना. नमस्ते. नमस्ते. मकर कुंडल माडवुं अगर केर्प मकुटम मौली वीसवुं மிகவும் எழிலாகவும் காற்றில் மிளிரும் துயில் நாடவும் மிகவும் எழிலாகவும் காற்றில் மிளிரும் துயில் நாடவும். அரே உசே மத்லப் வோ பஹுத் திக்கா. அது மகிழ்ந்துலவும் நிலவொளி தனிலே தன்னை மறந்து புள்ளினம் கூட அசைந்தாடி மிக இசைந்தோடி வரும் தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடது மீத என நடமாட கண்டு நின்று புடை சூழ என்று மனமுருக இறைவன் கனிவோடு குழலோதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. मैं उनसे कहूँ कि बच्चा हिल रहा है. कहूँ लात मार रहा है. बच्चा लात मार रहा है दादी माँ. ओहो बस करो. नौ बजे तक घर आ जाना चाहिए ना तुम्हें. हाँ हाँ से क्या मतलब है तुम्हारा. हाँ देर हो गई लेकिन क्या हर रोज इस तहकीकात की जरूरत है मॉम. अगर तुम वक्त पर घर आओ तो इसकी कोई जरूरत नहीं. तो देर क्यों हो गई. मॉम मैं जेन के यहाँ डिनर पे गई थी. लेकिन तुम तो डिनर घर पर करने वाली थी दिव्या. ठीक है मॉम वो मैं कल खा लूंगी. मैंने सोचा तुम्हें और डैड को कुछ देर अकेले छोड़ दो क्योंकि आज तुम्हारा तो Where is Dad? वो कुछ ही देर में आने वाले हैं. उन्होंने फोन किया था. हाँ समझ लो वो आ गए. क्या?
क्या कहा? कुछ नहीं मॉम। कम से कम एक ग्लास दूध तो पी लो दिव्या। रोज मॉम, नो वे। सुनो मॉम, कल एक बहुत बड़ा टेस्ट है और सॉकर प्रैक्टिस भी है, मुझे जल्दी उठा देना। हाँ, इन सब के लिए ही मेरी जरूरत है। एंड मॉम, हैप्पी एनिवर्सरी। सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास कि नजदीक हो तुम। सिर्फ एहसास कि तुम। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अब धीरे से बैठ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। सिर्फ एहसास। ये सब आपने बनाया? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, अपनी खूबसूरत बीवी के लिए। बादाम खीर, योर फेवरेट। लो खाओ। लक्ष्मी, क्या बात है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, किचन एकदम साफ है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की मैंने। तुम्हें कुछ और चाहिए? चाहिए तो बोलो। अनगिनत लोगों में घबराई हूँ। मॉम, ये सब क्या है? कितनी बार मैंने कहा है कि मेरी कमरे की सफाई तुम मत करो। आखिर मैं कब सीखूंगी? Yes, David, I'll call you. Yeah. I have to go. Ask him to go to hell. Yeah, let's do it together. I'm running really late, Pam. You take care of that letter. Mm-hmm. And make sure you call the New York office. Yes, Master. Pam, please. Yeah, sure. But you get to buy me lunch. Hey, have a nice night. Night. हेलो। हाय लक्ष्मी, मैं बोल रहा हूँ। देखो, आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैं इस वक्त एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। कल सुबह न्यूयॉर्क में एक अर्जेंट मीटिंग है। ओह। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मीटिंग खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगा। ओके, बाय। लेकिन आज तो हमारी हैप्पी एनिवर्सरी। रहने दो, साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा अलग सी उम्मीद क्यों करती हूं? आई रियली हेट मैन। हे, मर्द औरतों का बड़ा फायदा उठाते हैं ना? फैनी 2000, बड़ा अजीब नाम है। हाय फैनी, कभी कभी लगता है कि सारे मर्दों को गोली मार देनी चाहिए, एक एक करके। तुम्हें भी प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट से क्या मतलब? क्या कह रही है ये? छी, कैसी औरत है? प्राइवेट? हाँ, गलती मेरी ही है। बाप रे, नो नो नो। आई मीन, कितनी घिनौनी बात है। वो किस किस्म की औरत है? छह, वो मेरे साथ प्राइवेट जाना चाहती है। यकीन कर सकते हो, एक दूसरी औरत? कैसे अजीबो गरीब जमाने में हम जी रहे हैं। खैर, वो छोड़ो। तुम्हें देखो, खिलकर तुम इतने खूबसूरत बनोगे मैंने सोचा भी नहीं था। I wish you could talk to me. I can talk to you. You've been talking to me for years, and I've been listening to you. And I've just decided to talk. Shh, quiet, keep quiet. Hi. Hi. Who are you? I'm Steve. This is my brother Paul. We're your neighbors. Oh. Paul, get ready for school. Yeah. Oh my god. What? दिवी, What? उसे स्कूल के लिए उठाना था। Stop that. She's weird, a total wacko. Get lost, hey. Pipsqueak. Stevie has a crush on her. Fuck hey. Off. Hey. Mom, Stevie's in the airport. Shut up. Stop. Hey, I won't get you in trouble. Put me down. Hey.
इस कमरे को तो देखो, मैंने कल ही तो साफ किया था। वही तो मॉम, तुम हमेशा वही करती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी नफरत, बहुत नफरत। मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में तुम क्यों घुसती हो? मैं हजार बार कह चुकी हूँ, जिसे तुम सफाई कहती हो वो मेरी नजर में सफाई नहीं है। तुम क्या ढूंढ रही हो दिव्या? आखिर क्या ढूंढ रही हो बताओ। माला की रिस्टबैंड मॉम। वो कहाँ होना चाहिए? क्या नहीं, इस कमरे में वो कहाँ पर होना चाहिए? मेरे पास फिजूल के सवालों के लिए टाइम नहीं है मॉम। ये लो। ये वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारा स्पोर्ट्स बैग है, इसलिए इसे वहीं होना चाहिए। नहीं, इसे रखने की जगह ये नहीं है। देखो, जैसे ही मैं कमरे के अंदर आती हूँ, अपना कैप इस तरफ फेंकती हूँ और अपना रिस्टबैंड उस तरफ फेंकती हूँ, इसलिए इन्हें जहाँ हो वहीं पे होना चाहिए। मैंने उसे धो दिया है। जी थैंक्स। ज्यादा खिंचाई करने की जरूरत नहीं। दिव्या लो ये दूध पी लो। नहीं मॉम, अब मैं बची नहीं रही। इस तरह घूर क्यों रही हो? जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं जानती हूँ तुम अब बच्ची नहीं रही, तो मेरे साथ बड़ों जैसे पेश आया करो। मॉम प्लीज मेरी चीजों का हाथ मत लगाना, प्लीज। मॉम मेरे कमरे से बाहर जाने की मेहरबानी करोगी? इफ यू डोंट माइंड। बड़ी दादी माँ बन गई है। ओह, दिमाग चाटती है। Divya, this is our new neighbor, Paul, right? Yeah. Yeah. I'm sorry if Paul's bothering you all. Oh, no. Yes, he is bothering us. He came in and started ringing the doorbell. Do you think that will be bothering us? I'm sorry. Well, I apologize, really. Kyun chhod bhi kar rahi ho? Chhota sa to bachcha hai wo. Ye lo, chalo doodh pi lo. Bye, Mom. Kitne baje wapas aaogi? Der hogi. हेलो लक्ष्मी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बाहर थी। तुम्हें पता है यहाँ नए पड़ोसी आए हैं, पास वाला घर जो कई महीनों से बंद पड़ा है, हमारे घर के सामने उसमें कोई रहने के लिए आया है। मेरे पास वक्त नहीं है लक्ष्मी, 5 मिनट में मेरी जिंदगी की सबसे अहम मीटिंग शुरू होने वाली है, ये सब बातें बाद में। ओके। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज डिनर पे मेरा दोस्त ब्रायन आने वाला है। ब्रायन? वो कौन है? एक पुराना दोस्त है, अचानक एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई, उसका यहाँ तबादला हुआ है। ओके। और सुनो लक्ष्मी, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। कौन? मगर तुम कब आ रहे हो? शाम को तो घर आना ही पड़ेगा ना। ओके, मैं जल्दी में हूँ, बाय। हमेशा ऐसे ही करते हो। यही खिला दूं क्या? नहीं नहीं, बासी खाना नहीं, पकाने के लिए कुछ भी तो नहीं। Hey buddy, you better get that. Peace on the home front is most important. Sure. Okay. मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। हाँ कहा तो था, सॉरी, मगर खाने के लिए क्या बनाऊं? पृथ्वी सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। पृथ्वी फ्रिज खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, बोलो क्या खाएंगे? तुम कानाफूसी क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम कानाफूसी कर रहे हो। नेवर माइंड, क्या बात है? यही कि बोलो क्या खाएंगे। खाना लक्ष्मी, edible food. That was important. Good morning, everyone. Good morning. I'm glad you could all make it. Glad to be here. Well, it's good to see you all. I'm really happy about our merger. Sorry. Oh, well, put this in. $10.15. Thanks so much. See you Friday. Yeah. Here you go. Okie doke. Hey. You're welcome. I haven't got all day. Hi, how are you? Good. Here you go. Thank you.
Excuse me. Do you want to pay? Yeah. I'm sorry. Hey, do they always hang glide up here? Yeah. You ever tried it? No. Why not? ये तो पीछे पड़ गया. इसे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? Sorry, what was that? No. Don't you have any school or college or anything? Why are you loitering around? I'm working, actually. Why aren't you at work? I work at home. Let's say, can I help you with that? No, you can, but you may not. Oops! Oh, oh gosh. May I help you? Yes. This always happens to me. Yeah. So, what kind of work is that you do from home? I work for a security company. You mean you put alarms into people's houses? No, not exactly. I put up firewalls for computer systems, corporations. Basically, just to keep out hackers. Oh, so didn't you have to go to college for that? No, I never made it to college. Why? So how do you qualify for the job? Well, up until a short while ago, I was a hacker. A hacker? Hey, Lakshmi. Somebody thinks you're totally sexy. What? Oh, shut up. You know, kids say the funniest things sometimes. Thank you. Yeah. Would you like to come into the house for some tea or something? Actually, thank you, but you know, I should really be hacking into some computers or something. Maybe a rain check? Bye. Bye. पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पृथ्वी, मैं चाहती हूँ तुम दिव्या से फौरन बात करो। पृथ्वी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे साथ शहर में आ जाओ, यहीं बात करेंगे। क्यों नहीं? और कोई काम नहीं है ना? तुम अंदाजा लगा सकते हो, उन सबको वहाँ देख के मैं चौंक गई थी। तुम्हें दिव्या से फौरन बात करनी चाहिए। न जाने वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तुमने ये क्या पहन रखा है? क्या? बहुत खराब लग रहा है ये कलर। भूल गए, ये तुम्ही ने मुझे खरीद के दी थी। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल हुए तो क्या हुआ? अब भी इसी को पहनोगी? दिव्या का क्या करोगे? दिव्या का क्या करना है? मतलब मेरी कोई बात तुमने नहीं सुनी पृथ्वी? Well, तुम्हें शहर में आना चाहिए था। Therefore, as you can see, all of our predictions went wonky. I'm still not married. And there's Jim, the sworn bachelor, who's married 5 times over. Man, I tell you about life. The only thing predictable is that it's unpredictable. Your costume, sorry, is it? Oh, it's just gorgeous. It's amazing, isn't it, Brian? Oh, stunning. You look beautiful. Thank you. May I offer you something to drink? Anything's fine. Great. Lakshmi, would you get the glasses, please? Oh, yeah, sure. My God, you've been here for 18 years. And she's still so totally Indian. Hey guys, do you mind eating outside? Rachel? Oh, no, I'd love it. Great. Lakshmi, could you organize the food outside? By the poolside, please? Hey, you spoiled brat. You haven't changed a bit. I'll help her. उस ब्रायन को देखो, वो मेरी मदद करना चाहता है. एक मेरे पतिदेव हैं, जो एक काम नहीं करते हैं घर में. और अगर कभी गलती से भूले भटके घर जल्दी आ भी गए तो कहाँ? टीवी, कंप्यूटर, खाना, सोना. या फिर कंप्यूटर, टीवी, खाना, सोना. अगर अपने घर में मैंने रेचल की मदद नहीं की तो वो मुझे मार डालेगी. पृथ्वी के माँ ने उसको बिगाड़ रखा है. Man, he'd never lift a finger. Now you spoil him like this? Lucky guy.
Where did you learn to speak Hindi like this? Night school. I'm trying Hindi Sahitya. Can I give you a hand? Okay, let Lakshmi tell us. Tell me, Lakshmi, how did you get this guy to fall in love with you? Because he vowed to everyone never to say those three little words to a woman. Well, when I was 18, we met at my Masi's house in Chidambaram. And Prithvi tells me later that he fell in love with me right then. Henna, Prithvi? Hmm. Yeah. Oh, how cute. And he said he liked me. And he told his parents, and his parents told their parents, and their parents told my parents. And before I even knew it, we were married. You never even dated before you got married? Nobody dates in Chidambaram. It's a very small town, really. I remember once when Prithvi wanted to take me to the temple, and my parents just wouldn't allow it. You only saw each other that one time? Wow. Did you ever have this official check out the bride ceremony? Oh. You know the one. Ladki dekhna, wahi na? Yes. So, did he make you sing or dance or something? He didn't make me dance, thankfully, but I did sing for Prithvi. Oh, wow. You sang for this guy? Hey, Brian. Come on now. Gayena. Yeah, Lakshmi. Come on, sing for us. Main aa gayi. Ah, Divya aa gayi. Divya, yahan aao, please. Hey Divi, जरा इधर आओ ना. क्यों? तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ. Come on Divi, come on. ये हुई ना बात. Have a good day. Meet my dear friend Brian. Hi. That's Rachel. Hi Divi. Hi. Join us. Yeah. Dad, I have a big test tomorrow and. अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम स्कूल कहाँ गई थी? Oh, sit. Hey Divya, you don't have a curfew? I have a friend whose daughter's in high school. If she comes 1 minute late, cheer ke rakh dega, huh? Ryan, stop it. Lakshmi, didn't you say something about a song? Why don't you sing for us? No. I love Indian music. Come on, Lakshmi. It's been so long since I've heard an Indian song. Come on. Please. Come on, I'd love to hear one. Come on. Please. Come on, Lakshmi. குரலூதி மனம் எல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி. I know the other one. Alai payude kan. I got this up. उससे बात नहीं कर सकी, सो रही है. क्या दिव्या? वो सो रही है या सोने का नाटक कर रही है? ओ पृथ्वी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है. कहीं वो टाल तो नहीं रही? तुम्हें हर हाल में कल उससे बात करनी ही होगी. छोड़ो ना लक्ष्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. नहीं नहीं, मैं जानती हूं, मेरा मन कहता है जरूर कोई बात है. वो गिल्टी महसूस कर रही है पृथ्वी. तुम बात का पतंगड़ बना रही हो. बिल्कुल नहीं, वो जरूर कुछ छुपा रही है. मैं कल उससे बात कर लूंगा. ओके, अब दिमाग मत चाटो. मैं दिमाग नहीं चाट रही हूँ. पृथ्वी, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए तुम उससे बात करो. मैं दिमाग नहीं चाट रही. ओके 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 ओके, थैंक यू. मैं उससे बात करूंगा. डैड, मॉम, आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी. मैंने फैसला किया है कि मैं घर से बाहर रह के नौकरी करूंगी. मेरे फ्रेंड्स ने मेरे रहने का इंतजाम भी कर दिया है और अब मैं वहीं उनके साथ रहने वाली हूं. यही मैं आपको बताना चाहती थी. एक मिनट दिव्या. मुझे जल्दी है. मैंने कहा एक मिनट. तुम ऐसा नहीं कर सकती. तुम्हें घर से जाने की परमिशन किसी ने नहीं दी. मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ. मुझे परमिशन की जरूरत भी नहीं है. मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ. नहीं, अपना फैसला करने लायक तुम नहीं हो. हम तुम्हारे माँ बाप हैं. तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला हम करेंगे. तुम्हें स्कूल जाना है और बाद में कॉलेज भी जाना है, समझ गई?
Do you understand? I'll do whatever I damn well please. Don't swear at me, Divya. I will. Dad, इनसे कहें कि वो मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती. पृथ्वी, इसकी उम्र की कोई भी इंडियन लड़की अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करेगी. इसकी वजह कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बात है, बताओ. पृथ्वी, मैं उसकी भलाई चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ. नहीं, तुम जो समझती हो वो मेरी भलाई नहीं है. ओके, तुम अपनी कल्चर और ट्रेडिशन में इतनी डूबी हुई हो जो आजकल इंडिया में भी कोई नहीं मानता. तो डोंट टेल मी नो इंडियन गर्ल. ओके, तुम 18 साल पहले यहाँ आई थी और तुम कभी कभार वहाँ जाती हो. वहाँ के लोग तुमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं. तुम हमेशा मुझ पे हावी होती हो क्योंकि तुम्हें इसी की फिक्र है कि यहाँ के इंडियंस हमारे बारे में क्या सोचेंगे. नहीं दिव्या, यहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है और ना ही मुझे किसी की फिक्र है. मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, समझने की कोशिश करो. नहीं, तुम मुझे समझने की कोशिश करो. तुम तो बड़ी ही खुदगर्ज औरत हो. दिव्या, हाउ डेयर यू. बस करो, बहुत हो गया. मैं घर से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा. जहां तक मेरे बॉयफ्रेंड का सवाल है, हाँ कोई हो सकता है और उसके लिए भी मुझे कोई नहीं रोक सकता. दिव्या, रुक जाओ. क्यों उस पर ऐसे चिल्लाई? उससे मुझे निपटने देती. तुम कहां थे पृथ्वी? ये सब हो रहा था तब तुम कहां थे? तुम तो चुपचाप बैठे हुए थे, अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा. तुम किसी और को बात करने दो तब ना. पृथ्वी, हमारी बेटी एक बहुत बड़ी भूल करने जा रही है. मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी. पृथ्वी, तो उसे तंग मत करो वरना वो भाग जाएगी. तुम्हारा मतलब है कि उसके घर से बाहर रहकर नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है? तुम कहना चाहते हो कि ये ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम उसके साथ समझदारी और तमीज से पेश आया करो. वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है. ये रोक टोक चिल्लाना वगैरह बंद करो. पृथ्वी, तुम चाहते हो मैं उसे और तमीज से पेश आऊं? ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो तमीज से हैंडल करे. ये हमारी बेटी के घर छोड़ने की बात है. ये जज्बात और अपनेपन की बात है. उसकी गलतियों को सुधारने में क्या बुराई है पृथ्वी? वो कोई भूल न करे, वो मेरी बेटी है. वो मेरी भी बेटी है मगर मैं उस पर हर वक्त चिल्लाता नहीं हूँ. तो अब ये सब मेरी गलती है, है ना? लक्ष्मी, अब हम ये बहस और नहीं करेंगे. क्यों नहीं? मैं कुछ भी कहूँ वो गलत है, कुछ भी करूँ वो भी गलत है, ऐसा क्यों? कहा ना, मैं ये सब बकवास नहीं सुनना चाहता. पृथ्वी, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ. मेरा मन करता है कि घर चले ताकि अपने दिल की बात किसी से कह सकूं. काश माँ भी जिंदा होती तो मैं उनसे सलाह मांगती. लगता है एक माँ की हैसियत से मैं हार चुकी हूँ. अगर मैं हार गई हूँ तो वो माँ की भी हार है क्योंकि उसकी बेटी माँ का फर्ज निभाने में हार गई. पता नहीं तुम मुझे समझ रहे हो या नहीं. छोड़ो भी, तुम्हें लिखकर भी कोई फायदा नहीं. मेरी तरह कितनी औरतें दोपहर में बेकार बैठी हुई अजनबियों से चैटिंग करती होंगी. कोई इस वक्त मुझसे बात करेगा या नहीं? मैं जो हूं ना, हमारी भाषा. बहुत खूब. नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं. मैं क्या करती हूँ? कुछ खास नहीं. आपका क्या काम है? अच्छा, काम के बीच में ब्रेक लिया है. सेम हियर, मैंने भी काम के बीच में ब्रेक लिया है. आपको कैसे पता मुझे प्रॉब्लम है?
केस किया? ओह, तुम एक सीधी साधी लड़की लगती हो क्योंकि तुमने अपना नाम फ्रेंड रखा है। आपका नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता है, मित्र। हाँ, सही तो है। Sometimes you get a better perspective when you speak to nameless, faceless strangers. आपने बिल्कुल सही कहा। ओह, बाद में मिलेंगे। बाय। मैं 50 बार फोन ट्राई कर चुका हूँ और हमेशा ये कमबख्त आंसरिंग मशीन जवाब दे रही है। तुम कहाँ हो? हेलो। तुम कहाँ थी? मैं आधे घंटे से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ और हर बार आंसरिंग मशीन ही जवाब दे रही है। सॉरी, मैं बिजी थी पृथ्वी। ऐसे कौन से जरूरी काम में बिजी हो गई थी? लक्ष्मी, सुन रही हो? सुनो, दिव्या की प्रॉब्लम को किसी तरह हल तो करना ही होगा। जैसे कि उसे स्कूल जाके मिले या कहीं जाके कॉफी पिलाए। ये तो बहुत अच्छी बात है पृथ्वी। तुम कब आओगे? मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। लक्ष्मी, मेरी राय में आज तुम मेरे साथ मत चलो। बेहतर यही होगा कि इसमें अकेले ही सॉल्व करो। लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो? हाँ। तो फिर मैं उसे आज ही स्कूल जाके मिलता हूँ। ओके। और वैसे कितने बजे उसके स्कूल की छुट्टी होती है? Position, ladies. Oh, look at come that. On, move it. Yeah, come on, that's I don't think Ellers playing here today. Okay, that's it. Better be on time tomorrow. Hey. तुम अच्छा खेलती हो। आज कुछ खास नहीं, और भी अच्छा खेलना है। अगला गेम कब है? नेक्स्ट वीक। डैड, मैं कपड़े बदल के आ जाऊं? हाँ, जरूर जाओ। वो अभी गुस्से में है। कौन? मॉम। वेल, उसकी नजर में तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। उनको मुझे थोड़ी बहुत तो छूट देनी होगी डैड। तुम उसे समझ नहीं रही दिव्या, जहां से वो आई है वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहां पे अगर तुम्हारे उम्र की स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की अपने माँ बाप से अलग होकर रहना चाहे तो उसे बागी माना जाएगा। वो ये सोच ही नहीं सकती। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यहां स्टेट्स में मैं भी अकेला रहना चाहता था और आया भी। लेकिन जब वही बात मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुनी तो मैं चौंक गया। हमें थोड़ा वक्त तो देवी, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना। और तुम्हारे कॉलेज के बारे में भी मैं जानती हूं आप मुझे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं डैड, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। मुझे वक्त चाहिए। पहले मैं काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। Well, देवी, तुम अभी कॉलेज नहीं जाना चाहती तो ठीक है। इसके ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज जाओ और बड़े ओहदे पर पहुंचो, बहुत बड़े। पर यह सब तुम अपनी मर्जी से करो। Thanks, Dad. और रहा तुम्हारा अलग से रहना, पहले तुम कोई नौकरी हासिल करो फिर उसके बारे में सोचेंगे, ओके? हमें हालात से समझौता करने का वक्त हो दिव्या। Dad. क्या तुम घर पे खुश नहीं हो दिव्या? हम लोग इतने बुरे हैं क्या? आपसे परेशानी नहीं है डैड, लेकिन मॉम वो तो जब देखो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं कहां से आती हूँ और कहां जाती हूँ। मैं बच्ची बन के नहीं रहना चाहती डैड। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि वो दीवारों पे कान लगा के ये जासूसी करे कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करती हूँ। कोई मुझ पे जासूसी करे ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करती, वो तुम्हें महफूज रखना चाहती है। और महफूज रखना कोई जुर्म तो नहीं? हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई हो तो अच्छी बात है ना। मगर इतना भी ख्याल नहीं डैड, सभी चीजों को शक की निगाहों से देखती है वो। मैं तो तंग आ गई। मैं उससे बात करूंगा।
और वो रोने लगेगी। God, Dad. उस पर इतना कठोर मत बनो दिव्य। और सुनो, तुम्हारे घर से अलग रहने की बात तुम्हारे पढ़ाई खत्म होने के बाद हम सोचेंगे, ओके? Is that a deal? क्या मैं हाँ सुन रहा हूं या ना? शायद हाँ। ये हेलो। हाय दिव्य, और मैं आज रात को घर पे खाना नहीं खाएंगे, ओके? मगर पृथ्वी, मैं तो खाना बना रही हूँ। वेल, दिव्या को पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो हम बाहर ही खाएंगे, ओके? सी यू लेटर। मेल की उम्मीद नहीं थी ना? तुमने सही कहा था, कभी कभी अपनों से ज्यादा अजनबियों से अपनापन मिलता है। कोई क्या करे जब उसे मालूम हो जाए कि किसी को भी उसकी जरूरत ना हो, उसकी परवाह नहीं हो। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है? मुझे लगने लगा है कि इतने बरसों का प्यार और अपनापन मैंने खो दिया है। I think that's gross. ये कैसा लफ्ज है दिव्या? पहले ऐसे इस्तेमाल करना बंद करो। Dad. ये ग्रोस है, वो ग्रोस है, ग्रोस, ग्रोस। हाय, डिनर कैसा था? हाय लक्ष्मी, हाँ डिनर तो बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने मिठाई बनाई है दिव्या, थोड़ा खाओगी तुम? Hey, come on. हाँ मॉम, थोड़ी सी दे दो। ये हुई ना बात, good girl. Hey dad, need to catch up on some mail. Sure, तुम्हारी gross mail. तो कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा। अब तो मैंने उसे घर ना छोड़ने के लिए मना लिया है, फिलहाल तो कहीं नहीं जाएगी। कोई बॉयफ्रेंड है इसलिए ऐसा कर रही है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे, और अगर ऐसा हो भी तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं, वो तो सिर्फ 17 साल की है। लक्ष्मी प्लीज, मैं बहुत मुश्किल से उसे घर लेके आया हूँ, अब बिगाड़ो मत, ओके? मैं कुछ नहीं बिगाड़ रही। तो जबरदस्ती मत करो, वो एक समझदार लड़की है। घर छोड़ना और कॉलेज नहीं जाने के फैसले को तुम समझदारी कहते हो? Forget it. उसे उसके हाल पे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझा सकता, ओके? We are the drivers of the paradigm shift in the B2B space. We have acquired blue chip customers, a proven technology, and a seasoned management team. Thanks. अब अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें लगता है मैं cry baby हूँ? तुम्हारी सलाह है कि मैं ये सब छोड़ दूँ? तुम एक मर्द की तरह बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं एक औरत हूँ? हो सकता है, तुम पता लगाओगे? हाउ? मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने एक मुद्दत से इसके बारे में सोचा ही नहीं। सूखी धरती पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो उस मिट्टी की खुशबू मुझे पसंद है। हाईवे पे तेज गाड़ी चलाना मुझे पसंद है।
सूर्यास्त देखना बहुत पसंद है। मुझे लकड़ी का काम पसंद है, आई मीन कार्पेंट्री। मुझे किसने रोका है? तुम कश्मकश में हो क्यों? Are you a man or a woman? पता लगाओ। Hi. Hi. What are you doing out here all alone? The party, that's right, yeah. Where's it at? At Jane's. So, why are you waiting up? You know Divya's absolutely going to hate that. You would never understand how a mother would feel when her child is away so late. True, but I also know what it's like to have a parent that overcrowds their child. See? Sometimes you get a better perspective when you talk to strangers. Ye to maine abhi kahin suna hai. What was that? Anyway, since you're going to be up and probably use some company, maybe you could make a glass of the Lassi? Lassi. Lassi, I'm sorry. Yeah. Hi, Jane. This is Divya's mom. Can I speak with her, please? She's not? You know, I really don't think you should be doing this. Hey, we should go surfing sometime. Yeah, that's cool. Or yeah, go to the beach. What do you think you're doing? Aur tum ye sab kya kar rahi ho, ha? Hello, mom. How dare you touch me? How dare you touch her? No, don't touch me. Divya, ho kya gaya tumhe? Shut up, Divya. Shut up. Ghar ke andar jao. Nahi. Apna muh band karo aur ghar ke andar jao. No. And you? Use akela chhod do. Ever, drop me. Ever come near my daughter again. Okay? Now get out. Kya kar rahi ho tum? Dimag kharab ho gaya tumhara? Divya, apne aap ko sambhalo. Woh ja raha hai. Kya kiya tumne? Don't touch me. Dur ho jao mujhse. Robbie, don't listen to her. No, don't leave. Don't leave, please. No, she's just... Robbie, no! Robbie! Dekh liya tumne kya kiya, mom? Woh chala gaya. How dare you? Tum isse kya ho apne aap ko jo is tarah ka salook kar rahi ho? Divya? You think you're some sort of a... Can't stand it here any longer. I'll be there in 10 minutes. Yeah, I'm leaving right now. Yeah, keep the door open for me, okay? Thanks. तुम किससे बात कर रही थी, दिव्या? सुनो, तुम कहाँ जा रही हो, दिव्या? इतनी रात के मत जाओ, बेटी. I'm sorry. दिव्या, तुम्हें मारने का मेरा इरादा नहीं था. दिव्या, please. मेरी बात सुनो, दिव्या. ऐसे बेवक़्त घर से मत जाओ, दिव्या. Please. जो भी हो, हम सुबह बात करेंगे. Please, दिव्या. I'm so sorry, Divya. मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा. सुनो ना दिव्या, समझने की कोशिश करो. मैंने जेन के यहाँ फोन किया तो पता चला कि तुम वहाँ गई नहीं. How dare you? I'm sorry. Sorry. हम लोग कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे. मैं वादा करती हूँ दिव्या. दिव्या प्लीज लिसन. दिव्या इस वक्त घर के बाहर मत जाओ, प्लीज. दिव्या जाना ही है तो सुबह चले जाना, अभी नहीं. प्लीज दिव्या. तुमने ऐसा क्यों किया लक्ष्मी? पृथ्वी, वो लड़का उसे किस कर रहा था, और वो भी हमारे घर के सामने. मेरा मतलब है, मैंने ये किताबों और फिल्मों में देखा है, मगर मेरी बेटी ऐसा करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. लक्ष्मी, for God's sake, वो 17 साल की है, और 17 साल के बच्चों को मारा नहीं करते. I know. मैंने माफी मांगी पृथ्वी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी. तुमने माफी मांगी, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? या पृथ्वी, तुम ठीक हो बेबी? Are you sure? हाँ, मैंने सुना. तुम फिक्र मत करो, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं. या ओके,
तुम वहीं रहना ओके? वो दिव्या थी? हाँ, वो मुझसे बात करना चाहती है। पर मुझे भी उससे बात करनी है पृथ्वी। और क्या बाकी है? It's only the beginning. Hey guys, it's only a game. Hey, if you don't like it, then leave. Oh, come on. Oh no. Yeah, yeah, yeah. No, 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 yeah. No. No. Yeah. No. Just God. Like I said. Gosh, why? Shut up! You're so stupid. You shut up. Dad, coffee, did you? No. Dad. हम बाहर जाके बात करें क्या? क्यों ना हम बाहर जाके बात करें? हाँ, शो लेट्स गो। नो नो नो, ओह मैन, डैड आप कुछ भी कहिए, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। मैं क्या कहने वाला हूँ तुम कैसे जानती हो? वेल, यही कहेंगे कि मैं अभी घर आ जाऊं, है ना? हाँ, यही कहता। मैं घर नहीं चलूंगी डैड, कभी नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते दिव्य। ये मैं और सह नहीं सकती डैड। देखो वो इतनी भी बुरी नहीं है। ऐसा आप समझते हैं, मैं नहीं। उसने तुम्हें पहले कभी नहीं मारा। अच्छा हुआ उन्होंने पहले कभी नहीं मारा, वरना बहुत पहले ही मैं घर छोड़ चुकी होती। अब कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज का क्या है? डैड प्लीज, अब और कोई बहस नहीं। देखो मेरी बात तो सुनो। डैड नो प्लीज, आई एम गोना बी फाइन। हे दिव्या, हे हाउज इट गोइंग? रॉबी, दिस इज माय डैड। हे डैड, दिस इज रॉबी। हे वायलेट वाज प्लेइंग एट क्लब टुनाइट, सो वी आर गोना गो देयर। ओके ओके। ओह, इज जेक इनसाइड? या, ही इज इन देयर। ओके, आई एम गोना गो इन देयर। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू इनसाइड। आहा दिव्या, वो तुमसे बहुत बड़ा है, कम से कम 23-24 का तो होगा। डैड वो सिर्फ 20 साल का है, बस एक साल स्कूल मिस किया। क्यों? वो बीमार था। कैसी बीमारी? डैड प्लीज नो, आप ही बिल्कुल मॉम की तरह शुरू हो गए। पृथ्वी, यू आर द, जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तो, हमने उसे खो दिया है। ओके, ये क्या कह रहे हो? ड्रॉप आउट एसहोल। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इन सारी परेशानियों की जड़ तुम हो लक्ष्मी, तुम। लेकिन मैंने किया क्या है? जस्ट शट अप। बंद करो ये रोना धोना। स्टॉप इट। डियर मित्र, मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती है। यूर ऑनलाइन, मैं अभी तुम्हें मेल लिख ही रही थी। तुम इस वक्त ऑनलाइन कैसे? मैंने सब बिगाड़ दिया है, जिंदगी में जो कुछ भी कीमती था खो दिया। मैंने सब गवा दिया, और अगर मैं हालात नहीं सुधार पाई तो वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। या मैं वही सोच रही थी, मुझे लगता है तुम भी उदास हो। गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम बात करना चाहो तो मैं हूं।